हाय दोस्तों, मैं बिंदर सिंह आप सभी का स्वागत करता हूँ, आशा करता हूँ सभी बच्चों में। आज हम बात कर रहे हैं कि आपको वजीर एक्स में अकाउंट किस तरीके से क्रिएट करना हो। तो सबसे पहले आपको प्ले स्टोर से एप्लीकेशन को डाउनलोड करना होगा। मैं लिंक दे रहा हूँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से आप रेफर कोड को डालकर डाउनलोड कर लें ताकि आपको कुछ लाभ मिल सके। सो देन कंटिन्यू पे ओके करते हैं। कंटिन्यू का ऑप्शन आएगा तो कंटिन्यू कर देते हैं। उसके बाद यहाँ पर गेट स्टार्ट पे ओके कर देते हैं, ठीक है। सो यहाँ पर आपको अपना एक ई मेल आईडी डालना होगा। सो ईमेल आईडी डाल दें, देन उसके बाद एक पासवर्ड को यहाँ पे पेस्ट कर दें जो आपने रेफर कोड, अगर रेफर कोड नहीं डालोगे तो आपको यहाँ पे कुछ तरीके का बोनस नहीं मिलेगा। हम आपको दिखा देते हैं कितना बोनस मिलेगा, आप रेफर कोड जरूर डालें। सिंगल पे ओके करते हैं। अकाउंट क्रिएट हो जाएगा सक्सेसफुल और उसके बाद आपको जाना प्रोफाइल पे। प्रोफाइल पे आने के बाद यहाँ पे वेरीफाई योर केवाईसी के ऊपर आपको ओके करना होगा सबसे पहले। तो इसके ऊपर ओके कर करेंगे तो यहाँ पे आपको कुछ इस तरीके से डैशबोर्ड दिख जाएगा। यहाँ पे आपको कंट्री पर्सन केवाईसी, ठीक है। सो यहाँ पे कंप्लीट केवाईसी पे ओके करते हैं। यहाँ पे आपको पैन कार्ड, सेल्फी कैप्चर, एड्रेस प्रूफ होता है, पर्सनल डिटेल। सो कंप्लीट नाउ पे ओके करते हैं। तो सबसे पहले आपको एक सेल्फी देनी होगी। सो आप सेल्फी दे दें सबसे पहले। सेल्फी देने के बाद में आपको कर देना है। उसके बाद पैन कार्ड की एक फ़ोटो देनी होगी। पैन कार्ड की दे दी, उसके बाद में आपको नेक्स्ट कर देना है। आ चुका है सब कुछ और उसके बाद फिर सब ओके करेंगे। फिर आता है एड्रेस प्रूफ। कंप्लीट पे करते हैं और यहाँ पे आधार को सिलेक्ट करेंगे। एड्रेस प्रूफ में फ़ोटो लेंगे फर्स्ट साइज का, उसके बाद में बैक वाला लेंगे, देन कंप्लीट केवाईसी का, जो प्रोसेस है वो हमारा कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ पे सब कुछ आ चुका है और आपको फ्रंट और बैक दोनों का फ़ोटो देना होगा। तो आपकी केवाईसी कंप्लीट है, प्रोसीड पे ओके कर देते हैं। फिर प्रोसीड पे ओके करेंगे और यहाँ पे कंप्लीट केवाईसी पे ओके कर देते हैं। यहाँ पे कुछ पर्सनल डिटेल पूछी जाएगी लास्ट में, तो आप उसको भी बता सकते हैं कि आपका काम क्या है। सो आप देख यहाँ पे बता सकते हैं, जैसे कि सेल्फ एम्प्लॉय कर देते हैं। उसके बाद मेल यहाँ पे ये लिख देते हैं और देन उसके बाद आपको कुछ एक्सपीरियंस है तो नो एक्सपीरियंस कर दें। तो बस कन्फर्म एंड सबमिट केवाईसी हो जाएगी आपकी। तो यहाँ पे ऑलरेडी पैन वगैरह जो सब कुछ कंप्लीट हो चुका है। जैसे ही कंप्लीट करोगे तो, क्योंकि मैंने ऑलरेडी पहले से कंप्लीट केवाईसी किया हुआ है, सो इसलिए मेरा लिखा हुआ आ रहा है। यहाँ पे दूसरा कंप्लीट केवाईसी हो चुका है। उसके बाद आता है बैंकिंग एंड पेमेंट। तो बैंकिंग वाले के ऊपर ओके करते हैं। ओके करने के बाद में तो बैंकिंग वाला ऑप्शन आ जाएगा यहाँ पे, तो आपको सबमिट पे ओके करना है। जैसे सबमिट पे ओके करेंगे तो यहाँ पे आपको अपना एड्रेस वही सेम कंडीशन वाले देन कंप्लीट करना होगा। यहाँ पे सब कुछ डिटेल है जो कंप्लीट हो चुकी है, ठीक है। तो ऑलरेडी यहाँ पे सिंगल पैन कार्ड वगैरह दिया। तो आई होप समझ चुके होंगे आप। आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।